हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलो रूप्स। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी हाइलाइटिंग प्राइमर का, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन बनाता है, मॉडिफाई पोर्स करता है, मॉइस्चराइजिंग एंड न्यूट्रिशियस होता है आपकी स्किन के लिए। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी या उसकी आउटर पैकेजिंग है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम देखते हैं इसके अंदर हमें इसकी इनर पैकेजिंग देखने को मिलती है। ये देखिए, बहुत ही लग्जूरियस सी बॉटल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये आपको एक कैप मिलेगी जिसको आप ओपन करके इस तरीके से ये पंप मिलेगा आपको, जहाँ से कि आप प्रोडक्ट को आराम से निकाल सकते हैं। और ट्रैवल फ्रेंडली तो नहीं है क्योंकि ये कांच की बॉटल है, तो ट्रैवल में फूट भी सकती है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 ml की क्वांटिटी दी गई है। इसका जो प्राइस है वो 349 rupees है आफ्टर डिस्काउंट, या 250 या 260 तक आराम से आपको मिल जाएगी। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 years की है, 3 years तक आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि प्राइमर का यूज़ क्या होता है, प्राइमर किस लिए अप्लाई किया जाता है स्किन पर। प्राइमर जो होता है वो हमारे फेस पर एक बेस तैयार कर देता है, जिससे कि हम आसानी से मेकअप कर सकें, हमारे पोर्स को लॉक कर देता है, जिससे कि हमारी स्किन ब्रेकआउट से बच जाए। और इसके बाद इसको लगाने के बाद या कोई किसी भी प्राइमर को लगाने के बाद हमारी जो स्किन होती है वो फ्लॉलेस दिखने लगती है, और जो हमारा मेकअप होता है वो ग्लोई दिखता है। और ये जो प्राइमर है ये आपके चेहरे पर अच्छी चमक लाएगा, स्किन को ब्राइटन बनाएगा और पोर्स पर भी वर्क करेगा। प्राइमर जो होता है वो स्किन पोर को लॉक कर देता है और मेकअप को बहुत ही स्मूथ बनाता है। प्राइमर के बिना जो लोग मेकअप करते हैं उनकी जो स्किन होती है उसमें ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, इसलिए प्राइमर के बिना कभी मेकअप ना करें। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके की आपको पंप लाइक बॉटल मिलेगी जिसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, वाइट कलर का इसमें आपको प्रोडक्ट मिलता है, और बहुत ही इजीली आपकी स्किन पर ये ब्लेंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आपकी स्किन पर ये ब्लेंड हो जाएगा। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी शाइन आ गई है इसने, मतलब मेकअप लगाने से पहले ही आप स्किन को कितना अच्छा बना दिया है, कितना अच्छा ग्लोई इफेक्ट डाल दिया है इसने। और जो स्किन है वो भी काफ़ी मॉइस्चराइज हो गई है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है, तो स्किन आपकी थोड़ी वैसी है। बट इसको लगाने के बाद देखिए, आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज हो गई है और काफ़ी शाइनिंग शाइन प्रोवाइड कर दी है इसने। इसमें इसके यूज़ करने का तरीका भी बताया गया है कि मिक्स द हाइलाइटिंग प्राइमर विद बेस प्रोडक्ट सच एज फाउंडेशन। आप इसको फाउंडेशन में भी मिक्स कर सकते हैं, अपनी बीबी क्रीम में मिक्स कर सकते हैं विद ए स्केल ऑफ 1.1 आफ्टर प्रेस ऑन द पाम अप्लाई देम ऑन द फेस ऑफ फिनिश द बेस। इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने मॉइस्चराइजर में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप फाउंडेशन में अप्लाई कर सकते हैं, या फाउंडेशन या बीबी क्रीम से पहले भी इसको लगा सकते हैं इस तरीके से। इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट दी गई है, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद ही आप प्रोडक्ट को बाय करें। और जो मेरा जो शेड नंबर है वो 01 है, नेचुरल टिंट, ये मेरा शेड नंबर है। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 years की है, तो आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बॉटल, बहुत ही अच्छी बॉटल दी गई है, देख सकते हैं आप। और देखिए कितनी अच्छी शाइन इसने स्किन पर प्रोवाइड की है। इसके बाद ही आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हैं, कोई बीबी क्रीम लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये लुक आपको प्रोवाइड करेगी। तो आज के रिव्यू में मैंने आपको बताया कि आपको स्विस ब्यूटी हाइलाइटिंग प्राइमर के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय।